किसको दिया, उसका नाम है अबू लहब। और एक चर्चा वो है कि जिसे दावत देने वालों ने करबला में बुलाकर छोड़ दिया और शिमला आगे बढ़कर आया कि मैं तो आपका मालूम हूं रिश्ते में, और पनाह दिया अबू सदर अब्बास को 9 मुहर्रम की रात को, आ जाइए हमारी तरफ, हम आपको सरदारी भी देंगे, आपको लश्कर भी देंगे, आपको दौलत भी मिलेगी, आपको मनसब भी मिलेगा। तवज्जो रखिए, अबू तालिब ने इनकार कर दिया, चल के आए अबू तालिब के पास, तवज्जो रखिए, चल के आए अबू तालिब के पास आए, कहा आप अपने भतीजे की सरपरस्ती से दस्तबरदार हो जाइए, दुनिया की जितनी दौलत आप मांगते हैं सब दे दी जाए, पहली शर्त। दूसरी, अपने भतीजे को हमें दे दीजिए ताकि हम इसका कत्ल कर दें, हमारे कबीले में सबसे खूबसूरत और अकलमंद और असील बच्चा अमारा है, आप इसको ले लीजिए, इसकी परवरिश करिए। जनाबे अबू तालिब का जुमला सुन लीजिएगा, जनाबे अबू तालिब ने फरमाया कि तुम मेरी आगोश के पाने को कत्ल कर दूं, तुम्हारी औलाद को मैं पालू, तुम मेरे बेटे को कत्ल कर दो और तुम्हारी औलाद को मैं पालू, ये कहां का दस्तूर है, नहीं हो सकता। एक चर्चा और है तारीख में, सुनिएगा जरा, कड़ियों से कड़ियां मिले तो जो हाथ मंजूर है, रसूल के नाम में कांटे बिछाए गए, रसूल के ऊपर मुरलियां फेंकी गई, रसूल को परेशान किया गया, तो कुरान ने कहा तबत यदा अभी तक के पता ये आज को जाए उन्हें, ये कुरान का जुमला है ना, अब आइए करबला। उमर इब्ने साद के पास शिव आया, ये बताओ इसलिए कि उमर इब्ने साद इब्तदा नहीं चाहता था कि हुसैन से जंग करे, करबला में आने के बाद तो उसकी अक्ल इम्कान कोशिश ये रही कि मुसालिहत हो जाए, सुलह हो जाए। खत आते रहे, उमर इब्ने साद टालता रहा, तारीख आगे बढ़ती रही, फिर शिवा आया और इस सब के साथ आया था मैं तोहरन को, कि अगर हुसैन को खत्म कर सकते हो तो ठीक है, बैत ले लो और मैं सरदारी छोड़ दूँ। सरदारी का ख्वाब, और जब इब्ने ज़ियाद ने बुलाया है उमर इब्ने साद को, कहा जाओ हुसैन से लड़ने के लिए, पहला जुमला क्या था तारीख ने लिखा, उसने कहा क्या हुसैन से लड़कर मैं अपनी आकबत खराब कर लूं, फिर जो रे का वादा है वो वापस हो जाएगा, रे आज वही है जो तेहरान इराक सब सब को शादाब इलाका। अब तारीख का जुमला सुन लीजिए, कम एक रात की मोहलत तो सोचने के लिए कि कल क्या करना है, बस अभी लाने मौत की जो रात की मोहलत है, कोई इस मोहलत में जहन्नम में चला जाता है, कोई जन्नत में आ जाता है, सबको मिलती है एक रात की मोहलत मिली, पूरी रात टहलता रहा, तदब्बुर का शिकार, कश्मकश का शिकार। अगला दिन जब आया तो किसी दोस्त ने पूछा कि हमारे मौलवियों के, हमारे रहनुमाओं के, हमारे लीडरों के, हुकूमतों के सामने जमीर दिख जाते हैं अपने मसाल के चक्कर में, जब हुसैन के सामने भी कह लो आया।
हमसे बात कर पहले तो मैं तुम लोगों को बना देने आया, दौलत मिलेगी, पेंशन मिलेगा, हुकूमत मिलेगी, जागीर मिलेगी, दरबार में एक मकान मिलेगा, और क्या चाहिए? क्या चाहिए इंसान? आज अगर ईमान बिक जाता है, जमीन बिक जाता है, इसलिए थोड़े से देर के मनसब के लिए, ओहदे के लिए, अपने फायदे के लिए, जरा हाकिम की नजरों में कुछ मर्तबा मिल जाए, मनसब मिल जाए, इंसान अपना जमीन बेच देता है। लेकिन हुसैन ने क्यों फरमाया है जैसे तुझे मिले मना करेंगे? बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उम्र भी बड़े हैं, आपको ये चाहिए कि जितनी
अमानतें और विरासत और मीरास पैगंबर की है, आपको मिलनी चाहिए। जनाब अब्बास को समझ में बात आ गई, जानते थे कि अर्थ किसका है मगर इनको समझाने के लिए गए। जनाब अब्बास अली के पास आए, अली ये जो तुम्हारे पास रसूल अल्लाह की मीरास है मेरा हक है, इसलिए मैं पैगंबर का चाचा हूं। तो अगर बेटा मौजूद है तो पोते को मीरास नहीं मिलती, जो जितना करीब वाला मौजूद है कुर्बान है तो मीरास नहीं मिलती। आप भतीजे हैं, मैं तो चाचा मौजूद हूं, आपको मीरास कैसे मिल गई है, हक मेरा है। कसम खुदा की जो अबू तालिब के खून में शराफत मौजूद है किसी के खून में नहीं। कोई दूसरा होता है तो छिड़क कर लगा देता ये अली है ये वो है जो उसका जानशीन है, इसके लिए अल्लाह ने फरमाया है
इस तरह मेरे समय मेरे जवान रतन लाल हिमायत की तुम्हारी रतन रतन लाल हिमायत की है और हमारे अहले सुन्नत ने भी लिखा है कि अहले बैत का ये
रहा था कि पैगंबर की तरह नमाज में भी और आम दिनों में भी बिस्मिल्लाह को बुलंद आवाज से पढ़ोगे। ये जो हमारे यहाँ जोहर की नमाज होती है, बच्चों को समझाने के लिए कहता हूँ, जोहर की नमाज इस बात की होती है यानी खामोशी के साथ पढ़ी जाती है, जमात में हो या कहीं भी हो, लेकिन जब इमाम नमाज पढ़ाता है और सूरह हम पढ़ने लगता है तो कहते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, उसके बाद खामोश हो जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता पढ़ता है सूरह, फिर जब वो सूरह खत्म हो जाता है फिर कहता है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, फिर दूसरे सूरह को पढ़ने लगता है खामोशी के साथ। ये किसकी सुन्नत है? ये पैगंबर की सुन्नत है, ये अहले बैत की सुन्नत है, किसी फिरके की ये नहीं है कि नमाज में सूरों से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी जाएगी सिवाय मक्तब तशरीहों के। क्यों, कब हुआ ये? ताहिर ने लिखा कि जब इस्लाम को हुकूमत ने यह कमाल बना लिया और शाम में हुकूमत आ गई और इंतकाल हो गया और खत आ गया हुसैन के पास, तवज्जो रखिए, तो बयान कर लीजिए उन्हें तो खत लिखा गया। इस खत के आने के बाद मदीने में रसूलुल्लाह की मस्जिद में जब पहली नमाज पढ़ाई गई तो उसमें सूरह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कायम कर दिया गया, पढ़ाई नहीं गया, तो पीछे सहाबी मौजूद थे, किसी ने कहा सनद तो आयत मेरा कुरान, इन्होंने कुरान की एक आयत में डंडी मार दी है, उसको दोबारा पढ़ा जाए, पर नहीं, आज से यही तरीका, आज से यही तरीका है, इसी तरीके से नमाज पढ़ जाए। और फिर तारीफ में रसूल का एक सहाबी अबू दर्दा शाम में काफी दिन हो गए रसूलुल्लाह के बाद कभी वापस नहीं आए, जब अली का दौर खिलाफत आया मदीने आया, उसे आया क्या देखा कि अली नमाज पढ़ा रहे, नमाज में शरीक हुआ। अब जब नमाज हुई एक मरतबा जैसे नमाज का तरह फलक पे कहने लगा अपने दोस्तों से अपने सहाबियों से, जब रसूलुल्लाह के सहाबी ने सबसे बड़े के कहा कि आज बरसों के बाद वो नमाज पढ़ी है तुम्हारे अंदर पढ़ा दिया, अल्लाह अल्लाह नहीं तेरी बात नहीं पहुंची। 25 साल के बाद जब जमाने गुजर गए और वो अफराद जिन्होंने ये कहा था कि हुकूमत अली के पास नहीं जानी चाहिए, अली 25 साल तक घर में खामोश बैठे रहे, लेकिन जब 25 साल तक हर दरवाजे पर जाने के बाद हुकूमत ने ठोकरें खा ली, अब आई अली के दरवाजे और इमाम ने फरमाया है कर्बला का, जब किसी ने कहा मौला आप तो हुकूमत नहीं चाहते थे, आपने हुकूमत क्यों ले ली, अगर मैं हुकूमत न लेता इतना मजमा मेरे दरवाजे पे था मुझे डर था कहीं हसन हुसैन कुचल ना जाए, और सबकी फरियाद ये थी कि अली अगर आपने अब हमारी इस्लाह नहीं की हमारी रहनुमाई नहीं की हम रोज़े में से तुम्हारे भाई से शिकायत करेंगे। अली मजबूर हो गए। अब तारीख ने लिखा कि 25 साल के बाद मदीने में कितनी तब्दीली आ गई, कितना इंकलाब आ गया, तवज्जो रखिएगा, जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे, जिनको ये नहीं पता था तहजीब किसे कहते हैं, जिन्हें ये नहीं मालूम था चला कैसे जाता है, जिन्हें ये नहीं मालूम था गुफ्तगु कैसे की जाती है, इसलिए अली ने फरमाया है बेहतर बनाना में, जब लोगों ने कहा आप हमसे मुकाबला करते हैं हम तो आपसे अफसर है, अली ने कहा तुम हमसे मुकाबला करने आ रहे हो, तुम वो हम जानवरों के बिलों में रहते थे, हमने तुम्हें घरों में रहना सिखाया, तुम हमसे मुकाबला करने आए हो, तुम्हें तो मालूम भी नहीं था मीठा पानी क्या होता है, तुम खारा पानी पीने वाले, हमने तुम्हें बताया मीठा पानी क्या होता है, तुम तो वो हो जिन्हें ये नहीं मालूम था हराम गोश क्या होता है हलाल क्या होता है, हमने तुम्हें हलाल और हराम का फर्क बताया। 25 साल में इतना इंकलाब आ गया कि आज अली जब खलीफा बना दिए गए मणिपुर मस्जिद की तरफ जा रहे
वही सादा लिबास, वही देवंद लगी हुई टकी हुई छुटियां, वही तरीका, वही अंदाज तो कभी पैगंबर का हुआ करता था। उसी भविष्य, उसी कौम के साथ, उसी तमकड़ के साथ मस्जिद में आए, किसी ने पहचाना तक नहीं क्या आने वाला हमारा हाकिम अल्लाह। क्यों? इसलिए ईरान पर हमला करने के बाद, पांच इलाकों पर हमला करने के बाद मुसलमानों के पास इतनी दौलत आ गई, तारीखों ने लिखा है कि जब हाकिम गुजरता था तो चमकती हुई टोपी सर पे हुआ करती थी, अमामा सर पे हुआ करता था, बेहतरीन लिबास हुआ करता था, और लिबास देखकर लोग अंदाजा लगा लेते थे किस कबीले का है, कौन रही थी। लिबास देखकर अंदाजा लगा लेते थे ये अली 25 साल के बाद निकल कर आए और मस्जिद में आए। किसकी मस्जिद है? पैगंबर की मस्जिद है, नबी की मस्जिद है। 25 साल के बाद मजमा खड़ा हुआ है। क्यों? लोग चाहते हैं आज देखे अली क्या खुतबा देते हैं, क्या बयान करते हैं, आज की सुन्नत पर अमल करते हैं। तारीख कहती है एक गोशे से अली दाखिल हुए, मजमा मुंतजर है, अभी कोई हसीन लिबास पहनकर आएगा, महंगा लिबास पहनकर आएगा, बड़े तुम तरह से आएगा, शाहाना तंकरत के साथ आएगा, मगर वो अली एकदम रसूल के अंदाज में इल्म से तो सर बुलंद है मगर नजरें झुकी हुई, चलने का अंदाज बता रहा है कि कोई आलिम आ रहा है, लिबास का अंदाज बता रहा है कोई फकीर आ रहा है। लोग कदम रह गए। एक मरतबा जब बंदे को छीनता हुआ यह हाकिम आगे बढ़ा तो किसी ने कहा कहां जा रहे हो? क्यों? अभी तो हमारा हाकिम आने वाला है, मजमे के अंदर बन जाओ, मैं ही तो तुम्हारा हाकिम। लोग अली को पहचानते नहीं थे, सोचिए लोग अली को पहचानते नहीं थे? नहीं, लोग अली को जरूर पहचानते थे मगर इल्म से, अली को पहचानते थे कमाल से, अली को पहचानते थे फल से, मगर जब 25 सालों तक हुकूमत तमाम पहले इस्तेमाल कर लिए, आज 25 साल के बाद अली मंजर यहां पर आए हैं, अब लोग पहचानते रहेंगे यही अली। बता दें कि आप रशीद पैगंबर हैं।
एक नजर दे रसूल का साहबी है नागिना हो गया और रसूल ने फरमाया कि देख मेरा एक बेटा आएगा जिसका नाम मेरे नाम पर होगा कि वो मिले तो मेरा सलाम पहुंचा दे। मस्जिद है तारीफ कहती है कि वो साहबी बैठा हुआ है नागिना है दिखाई नहीं देता है एक मतलब मस्जिद में लोग आते जाते रहते हैं हम तो रख लेती है। एक पांच साल का बच्चा मस्जिद में दाखिल हुआ एक मरतबा साहबी के कान खड़े हुए फौरन कहा बेटा जरा इधर आओ वो नजदीक आया तो बेटा जरा पीछे जाओ बच्चा पीछे गया तो जरा और करीब आओ बच्चा करीब आया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चलने का अंदाज वही है जो पहले था। यहाँ आंखों वालों की बात नहीं है आपके चलने का अंदाज बता दे ये पैगंबर का जानशीन है बोलने का अंदाज बता दे ये पैगंबर का जानशीन। लिखा है कि जब नमाज का वक्त आया
एक मकाम पर पहुंचने के बाद सोहेल के साथियों ने कहा, सोहेल अब से नमाज है, चलो हमारी इमामत करवाओ। तारीख ने लिखा कि सोहेल ने कहा, तुम्हें क्या लगता है हुसैन के होते हुए अगर मैं इमामत करवाऊंगा तो मेरी नमाज ठीक हो जाएगी? अगर नमाज में झगड़ा हो रहा होता तो उसी वक्त वहां पर लोग कहते नहीं, हुसैन की नमाज पढ़ने का तरीका अलग है, हमारा अलग है, हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। उनने लगा मैं फर्श से हुसैन पे हाथ डाल बोला ले गया। तारीख कहती है कि कितनी मंदिरों पर घुट रुका है हुसैन के साथ, जब नमाज का वक्त आया और लोग आए और आने के बाद कहा घुट नमाज पढ़ाओ, कहा नहीं हुसैन की मौजूदगी में अगर कोई नमाज पढ़ा दे उसकी नमाज बाकी है, नमाज हुसैन के पीछे पढ़ दे। कर्बला के मैदान में अब तो सारा जो जब अली अकबर खत्म कर दिए गए और मोहम्मद मार दिए गए, अब्बास के बाद तो कलम हो गए, कोई नहीं रहा। अब हुसैन आखिरी खुतबे के लिए मैदान कर्बला में आए और तारीख ने लिखा कैसा खुतबा, कैसा खुतबा, घोड़ों की सफे आगे एक तरफ ऊंट है, ढोल है, बाजे हैं, ताशे सफे जमी हुई है, अकेला है हुसैन, अकेला। किसका बेटा है? अली का बेटा है, जिसने उस वक्त बजने की फिक्र नहीं की जब सब उसके मुखालिफ हो गए, ये तो अली का लाल है। घोड़े की नकाबों में कदमों को डाला, घोड़े पर बुलंद हुए। तारीख कहती पहला जुमला कहा, ये बताओ कि मैंने हलाल मोहम्मदी को आराम किया? नहीं, जो आराम था वो आराम, हलाल मोहम्मदी में तब्दीली की, हराम में कोई तब्दीली की? नहीं हुसैन, हराम जैसे था वैसे ही, हलाल जैसे था वैसे ही हराम, कोई तब्दीली नहीं। शरीयत में क्या है इसके अलावा, क्या हलाल है क्या हराम? हुसैन ने वादे कर दिया कि मेरे मजहब में कोई तब्दीली नहीं। क्यों वादे किया? इसलिए कि जब अभी हुसैन का सर रोके नेजा पे बुलंद होके जाएगा तो लोग कहेंगे खारजी का सर आ रहा है जो दीन से निकल गया। हुसैन ने पहले ही वादा ले लिया कि हुसैन मजहब के वैसे ही है जैसा मेरा बाप अली था, पहले ही हुसैन ने बोल लिया, दुश्मन से कहलवा लिया कि मैंने ना हलाल बदला है ना हराम बदला, अब बचा क्या? अब हुकूमत बनना लोगों के हुकूमत, बताओ तुम्हारी जमीन नष्ट की? नहीं हुसैन, तुम्हारा तो माल छीना है? नहीं हुसैन, तुम्हारे भाई को कत्ल किया है? नहीं हुसैन, किसी अमीर को मारा है? नहीं हुसैन, दीन खत्म, दुनिया का वादा हुसैन ने ले लिया, कोई तब्दीली दीन में नहीं की, तुम्हारा कोई हक नहीं मारा। अब हुसैन ने पूछा क्यों कत्ल कर रहे, क्यों मेरे जवान भाई को मार दिया, क्यों मेरे जवान बेटे को मार दिया, क्यों मेरे छह महीने के बच्चे के गले पर तीर मारा, क्यों मेरे कासिम के सहरे को पामाल कर दिया, क्यों मेरे और मोहम्मद को मारा? अब हुसैन ने सवाल किया, अब जवाब दिया, ले तुझे अभी हुसैन हमें तुमसे अदावत नहीं है, हमें अदावत उस अली से है जिसने नमाज की सलाह की, जिसने दीन की सलाह की, जिसने शरीयत की सलाह की। हुसैन तुम्हें कत्ल इसलिए कर रहे हैं कि अगर तुम अपने बाबा की तरह आज हमारे दरमियान हाकिम हो गए, जिस तरह तुम्हारे बाप ने दीन में तब्दीली करने नहीं दी, तुम भी दीन में तब्दीली करने नहीं दोगे। उस वक्त हुसैन ने कहा, देखो मेरा गला तो कट जाएगा मगर इस गले कटे हुए गले की कसम कर्बला के बाद किसी में ये जुर्रत नहीं होगी कि बस हमने तब्दीली कर। हम और आप बाबुल हवाइज
कोई अब्बास के दरवाजे पर आकर हुसैन पर वास्ता देकर दुआ करे तो उसकी दुआ जरूर कबूल होगी। बाप का लकब है मुश्किल कुशा, बेटे का लकब है बाबुल हवाइज, वो मुश्किलों को आसान करने वाला है, ये हाजतों को पूरा करने वाला है। अगर कभी ज़ैनब के दिल से पूछिए कि किसका बाप मुश्किल कुशा हो, किसका भाई बाबुल हवाइज हो और वो अपनी बहन की मदद के लिए न जा पाए, आप पर जब भी कोई मुसीबत पड़ती है कभी तसव्वुर करिए, आप अब्बास के दरवाजे पर आते हैं, उनके आलम के करीब आते हैं, उनकी दरगाह पर जाते हैं, जाने के बाद कहते हैं ए अब्बास तुम्हें सकीना का वास्ता, अब्बास अरे तुम्हें ज़ैनब का वास्ता, अब्बास तुम्हें आका हुसैन का वास्ता, हमारी मदद करो, हमारी दुआओं को पूरी कर दो, अरे दो अरे दुआएं पूरी होती है ना, मगर ज़ैनब याद रसी ना हुई होगी तो क्या उसे याद ना आया होगा मेरा भाई तो बाबुल हवाइज है, मेरा बाप तो मुश्किल कुशा है। तो सोबे मजलिस अब्बास का एक नकब है मुस्तजार, सुन लीजिए, एक आलिम दीन है, एक जाकिर है, बड़ा मशहूर है, उसकी आदत है कि हर जुमेरात को वो कब्रे हुसैन की ज़ियारत के लिए करबला जाता है। सुन लेना, सुन लीजिएगा, यही मसाइब हैं अब्बास के, इसलिए कि शहादत का दिन नई आलम की मजलिस है। चंद जुमले आलम के हवाले से, हर जुमेरात को उसको वतीरा है कि वो शहादत अब्रे हुसैन की ज़ियारत करने के लिए जाता, लेकिन उसको मौका नहीं मिलता है कि अब्बास की कब्र की ज़ियारत के लिए जाए। तारीख में वाकया है, साहिब रियाज ने लिखा, वक्त मिलता है तो अब्बास की ज़ियारत के लिए जाता, वक्त नहीं मिला तो अब्बास की ज़ियारत के लिए नहीं गए। एक दिन सज्दा खाम में आई, आने के बाद कहा ए ज़ाकिर, ए खतीब, ए आलिम, तू मेरे बेटे की ज़ियारत के लिए रोज जाया करता है, लेकिन ये बता तेरी ज़ियारत कबूल नहीं होती है, मेरे में दूसरे बेटे की ज़ियारत क्यों नहीं करता है? कभी भी मैं तो मुस्तकिल जाता हूँ, आपके बेटे की कब्र पर हाजिर देकर आता हूँ, बीबी मेरी ज़ियारत क्यों कबूल नहीं होती है? कहा नहीं, तू मेरे अब्बास Yeah.
का सहारा। ये बच्चों की उम्मीद है, ये हुसैन की तमन्ना है। आपने हर चीज दाहिर में नकल करबला से पहले मधम में कितनी तब्दीली हुई हो, करबला की बात नहीं। ये जो अलम में आप लश्कर सकीना बांधते हैं, ये क्यों बांधते? आई कहती है कि जब सब शहीद हो गए, अब्बास अपने भाई के पास भाई आने के बाद कहा था, जब मरने की इजाजत, चुपला सुन लीजिए, मरने की इजाजत चाहिए।